हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, जहाँ तक बात है रीडिंग के मैच होने की, तो ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जैसे कि कार्ड आपके सामने शफल हो रहे हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं यही बताने की हम कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन कौन है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसको कार्ड रेजोनेट होने वाले हैं या नहीं। तो कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर नहीं रेजोनेट हो रहे तो याद रखना है ये रीडिंग किसी और के लिए है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कुछ झूठ बता रहे हैं या फिर अपने मन की बातें बता रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारा तो आपसे कुछ मतलब, हम जानते भी नहीं हैं आप कौन हैं, आपके हालात क्या हैं। ऐसे में सिर्फ कार्ड की एनर्जी रीड की जाती है, ये बातें ध्यान में रखनी है। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हैं जो शायद ये आपसे कहना चाहते हैं। अपने हालात को लेके हो सकता है, अपने दिल के जज्बातों को लेके हो सकता है, या फिर इन रियल कुछ मसले हैं जिनको लेके भी ये कुछ बातचीत करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, जैसे इसके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिस वजह से ये कहाँ है, इसके गिर्द क्या हालात है ये देख नहीं पा रही हैं। साथ ही साथ इसको बांध के रखा है, जिस वजह से ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी। ऐसी कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखी है। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन भी किसी ऐसे हालात में फंसे हुए हैं, जिस वजह से आपसे चाहते हुए भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों हाथों में दो जग हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में शायद सेपरेशन है, क्योंकि ये दोनों जग भी एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। और राइट नाउ भी आपको ये याद कर रहे हैं, जैसे अभी नाइट टाइम है। ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बताती है सेक्सुअल एनर्जी को। तो विश तो है इनकी टू ऑफ कप की एनर्जी में आगे बढ़ने की, लेकिन सेक्सुअल थॉट्स भी कुछ हैं। और ये क्यों कन्फर्म हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिल रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। तो यहाँ पर कंट्रोल इशूज़ हैं, ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई चेन से बंधा हुआ है तो भी यहाँ पे इन दोनों की हालत क्या हो रही होगी। तो ऐसे ही आपके पर्सन की भी हालत हो रही है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उनको लग रहा है या तो हालात इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सही वक्त नहीं चल रहा, जिस वजह से ये आप से इस तरह से दूरियों में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मतलब अट्रैक्शन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, हाई मतलब ओवरली हाई है, जिस वजह से ये विश कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे हर कप में कुछ ना कुछ रखा हुआ है जो बताता है इनकी ख्वाहिशों को। तो या तो इनकी 7-8 ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब ख्वाहिशें पूरी होनी अभी बाकी है, जिन ख्वाहिशों को लेके ये कुछ सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन हैं तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप भी उनके याद में ऐसी ही उदास बैठी होगी जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बैठी हुई हैं, और यहाँ पे मसला हो सकता है घर वालों का। तो या तो आप अपनी फैमिली की वजह से इस पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं कर रही, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियाँ आई हैं जिन बातों को लेकर शायद आप भी उदास है, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इसके हाथ में पेंटिकल है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वीन के हाथ में भी पेंटिकल है, तो आप भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो करते हैं अपने पर्सन के बारे में उनको पाने की, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको पाने की चाहत ज़रूर रखते हैं। नेक्स्ट द चैरियट कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे ये दो हॉर्सेस होते हैं और ये रथ उनको चलाते हुए आगे ले जा रहा है, ऐसा ये पर्सन होता है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी तेज़ रफ्तार चाहते हैं, यानी कि अगर कुछ डीलेज हो गए हैं, कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिन वजह से काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतता चला जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ हो जाए जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इतना जल्दी सॉल्व हो जाए कि आप दोनों ने भी शायद वो उस रफ्तार के बारे में नहीं सोचा है, और कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी का जो भी बीता हुआ वक्त है उसको उसी तरह से पीछे छोड़ना चाहते हैं और एक तेज़ रफ्तार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपके साथ को ज़रूर इमेजिन कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। या तो ये पर्सन अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस करते रहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, जहाँ पे थोड़ा सा अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ड्रिंकिंग वगैरह होता रहता है, और वो लोग भी समझ जाते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली कितना ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं आपसे। तो शायद ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो असलियत में उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने अपने तरफ से अपने फ्रेंड की कुछ ऐसी मदद करना चाहते हैं जिसकी वजह से उसकी लव लाइफ अच्छी तरीके से आगे बढ़े। तो या तो ये पर्सन उनकी हेल्प लेके आप तक रीच आउट हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ ना कुछ ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। जैसे डॉल्फिन होती हैं उसको अगर हम देख भी लें तो उसकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस होता है, और इंसान उदास भी हो तो भी पल भर में उसकी उदासी गायब हो जाती है। वैसे ही ये शायद उनके दोस्त उनको यही समझा रहे हैं कि उदास मत हो, खुश हो जा, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये शायद बात है जब सही होगा, ये कब होगा वो इमेजिन करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके साथ उनको वो फ्यूचर दिखाई देता है जो ये इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो ये कुछ ऐसे चॉइसेस चूज़ करना चाहते जो आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, ये अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहते, या आप दोनों के रिश्ते के लिए ही आगे बढ़ने के लिए जो सही है वही ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। तो यहाँ पे बात आ रही है इंस्पिरेशन की, तो अगर इनके दोस्त इनको मोटिवेट करने के लिए कुछ समझा रहे हैं तो ये उनकी बातें समझ के उनके ऊपर गौर करने का एक आप कह सकते हैं प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, नॉक्स, गो फॉर इट। तो जो भी इनके लिए राइट नाउ सही अपॉर्चुनिटी इनको लग रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ये उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं लक्ष्मी जी की थोड़ी सी इमेज है, हाथी भी है, मोर भी है, लायन भी है, और इसके हाथ में कलश भी है। तो वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ के लिए जो सही है, यानी कि हर किसी को ज़िंदगी में फुलफिलमेंट चाहिए होता है, वो कोशिश तो करनी चाहिए। नेक्स्ट है गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। तो जैसे ज़िंदगी आगे ले जा रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते थोड़ा सा स्लाइटली चैरियट को लेके ही एनर्जी है, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए नहीं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग स्पीड में गाड़ी वगैरह चलाते हैं और अचानक से अगर कुछ बीच में आ जाए और स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं, ऐसा इनको नहीं करना है। आगे तो बढ़ना है लेकिन होश के साथ। और नेक्स्ट कार्ड है सेवन हेवन वर्चूज़ की टू
गुडनेस। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जैसे मैनिफेस्टेशन को लेके आप कह सकते हैं, ये विश कार्ड भी है, जैसे स्टार का कार्ड हमने देखा, ये भी विश कार्ड होता है, ये भी पाहें खोल के कुछ मांग रही है और वहाँ से आसमान से तारा जो है वो टूट रहा है। यहाँ पर भी कई सारे स्टार्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे चेंज चाहते हैं जो अजूबों में काउंट किए जा सकते हैं, कि ये तो होना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन पता नहीं मिराकुलसली कैसे सब ये हो गया। और फाइनल कार्ड है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो यहाँ पे लेटिंग गो करने की ये कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैगेज है इनके पास, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या कर सकता था, क्या सही था, क्या गलत था, ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद पास से जुड़ी हैं या फिर प्रेजेंट सिचुएशन से जुड़ी हैं, जहाँ पर इनको खुद को समझाना है कि जो सही लगा वो किया है, लेकिन अब वो सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ना है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए जो बातें पास्ट में हो गई हैं या अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो बातें काम की नहीं हैं, उनको लेट गो करना ही पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं जो शायद इनके फ्रेंड्स भी इनको समझा रहे हैं कि तू ज़्यादा सोच मत, जाने दे उन बातों को, अगर घर वालों को लेके कुछ बातें चल रही है तो वो उनका नेचर है, उनकी बातें इतना दिल पे मत लो, इतना परेशान मत हो, यही सब बातें शायद उनके दोस्त उनको समझा रहे हैं और मे बी यही सब बातें ये पर्सन भी आपको समझाना चाहते हैं अगर आप भी उनकी तरह ही परेशान हैं तो। और इसीलिए ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन का तो सोच रहे हैं लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, मतलब कुछ तो दिक्कतें हैं, ये खुद क्लैरिटी मिल जाए तो आप तक रीच आउट हो सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।